हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार। और चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं अपना जो बात कर रहे हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। आपका ठीक, अगर इसकी ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ये प्लांट फिजियोलॉजी में आता है आपका चैप्टर, आपका ठीक, आपका प्लांट फिजियोलॉजी में देखने के लिए मिल जाएगा आपको। ठीक, ग्लाइकोलिसिस में अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, आपका ठीक, ग्लूकोज का आपका ब्रेकडाउन होकर आपका पाइरूविक एसिड में कन्वर्टाइजमेंट होना ही आपका क्या कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ठीक, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, इसको आप लोग ईएमबी पाथवे भी बोल सकते हैं। ईएमबी पाथवे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये तीन साइंटिस्टों ने मिलकर दिया था आपका। ठीक, आपका एम्डेन, आपका मेयरहॉफ और आपका पर्नेज, आपका ठीक है, ये तीन साइंटिस्ट ने दिया था आपका मिलकर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आपका ईएमबी पाथवे ही बोला जाता है आपका। ठीक, अगर यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की बात कर लीजिए आपका, तो ग्लाइकोलिसिस जो अकर होता है वो अकर होता है आपका साइटोप्लाज्म में आपका। और साइटोप्लाज्म एक ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है आपका जो आपका प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, यानी कि बोथ, यानी कि ये साइकिल अगर बात कर लीजिए तो ये प्रोकैरियोट में भी चलती होगी और यूकैरियोट में भी चलती होगी, दोनों जगह देखने के लिए मिल जाएगी आपको। यानी कि ये ऑल लिविंग ऑर्गन्स, अर्थ पे आपके जितने भी जो लिविंग ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं सब में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। एरोबिक में भी देखेगी आपको, अनएरोबिक में भी यही रेस्पिरेशन देखने के लिए मिल जाएगी ये प्रोसेस आपकी। बाकी प्रोसेस जो होती है वो वेरी कर जाती है आपका। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्म चलता है। साइटो, ध्यान रखना कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में केवल कुछ जस्ट साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, ये दोनों ऐसे सेल ऑर्गन्स हैं जो बोथ दोनों में प्रेजेंट होते हैं आपके, बाकी कोई जैसे और सेल ऑर्गन्स है वो दोनों में प्रेजेंट नहीं होते आपका। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लीजिए आपका, तो ये जो प्रोसेस होती है वो 10 स्टेप प्रोसेस होती है। कितने स्टेप में? 10 स्टेप में क्या होती है, अभी कंप्लीटेड होती है। तो आइए समझ लेते हैं एक करके इसको स्टेप बाय स्टेप आपका होता क्या है। सबसे पहले अगर बात की तो ग्लूकोज जो आपको पता है वो होता है 6 कार्बन का कंपाउंड होता है आपका। ठीक, ग्लूकोज जो आपका बदलता है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलता है। यहाँ पे क्या होता है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट चलती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और आपके एटीपी से आपका एडीपी में कन्वर्टाइजमेंट होता है। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ आपका हेक्सोकाइनेज एंजाइम आपका जो यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है आपका। ठीक, और मैग्नीशियम आयंस आपके कुछ देखने के लिए मिल जाते हैं आपका। ठीक, अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए, क्योंकि यही स्टेप क्या होते हैं आपके नीट एग्जाम में आपके पूछ ले जाते हैं, या फिर नीट नहीं तो आईएसपीसीएस किसी भी एग्जाम में कई बार ये पूछी जा चुकी है आपकी साइकिल आपका। ठीक, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होता है, आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ आइसोमेरेज एंजाइम आपका। ठीक, आइसोमेरेज एंजाइम क्या होता है, ये क्या करता है, जो ग्लूकोज है उसको फ्रक्टोज में कन्वर्टाइजमेंट कराता है। ग्लूकोज में पता है आपको जो फंक्शन ग्रुप होता है एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में फंक्शन ग्रुप होता है आपका कीटोन होता है आपका। ठीक है, अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आपका जो कन्वर्टाइजमेंट होता है वो होता है आपका फ्रक्टोज 1.6 फॉस्फेट में आपका। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, एटीपी से आपका एक एडीपी में कन्वर्टाइजमेंट होता है, यानी यहाँ पे भी क्या हो रही है आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही है, यानी यहाँ पे भी क्या हो रही है, एनर्जी लग रही है आपका। ठीक, एटीपी का फुल फॉर्म तो पता है आपको क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एडीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। दोनों में अंतर सिर्फ इतना होता है कि एक में यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं, यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे हैं आपका। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाता है आपका 2 सुगर्स में, एक ग्लिसरल्डिहाइड में आपका और दूसरा होता है डीएचएपी, डीएचएपी मतलब बाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपका। ठीक है, ये भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 कार्बन की होती है और डीएचएपी भी 3 कार्बन की होती है। ये दोनों क्या होते हैं, इंटरकन्वर्जन कंपाउंड होते हैं, यानी एक दूसरे, ये बाद में डीएचएपी क्या होता है आपका इसमें 3 आपका ग्लिसरल्डिहाइड में आपका कन्वर्टाइजमेंट हो जाता है आपका। ठीक, अब यहाँ पे हुआ क्या, जो ये यहाँ से जो प्रोसेस होती है, यहाँ से जो प्रोसेस चलती है वो 2 टाइम्स चलती है, 2 बार। एक बार पहले ये पूरा आपका पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट है, टूटेगा आपका, ब्रेकडाउन होगा, और दूसरी बार क्या होगा, डीएचएपी ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होकर फिर आपका ये पाइरूविक एसिड आपका फॉर्मेशन कराएगा आपका। ठीक, यानी 2 बार आपकी इसलिए देखने के लिए मिल जाती है यहाँ से आपकी प्रोसेस। ठीक, अब ग्लिसरॉल क्या होगा आपका, ये 3 कार्बन कंपाउंड आपका 1.3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्टाइजमेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, एक एनएडीपी पॉजिटिव आपका एनएडीएच2 में, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है आपको, एनर्जी मिल रही है आपको। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है आपको, मिल रही है। पॉइंट ध्यान रखिए, कहाँ पे आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, कहाँ पे एनर्जी मिल रही है आपको। ठीक, यहाँ पे H2O पॉजिटिव आपका वाटर एंट्री करेगा, H3PO4 भी आपका एंट्री करेगा आपका। ठीक, अब 1.3 आपका जो बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये क्या होगा, कन्वर्ट हो गया आपका 3PGA में बदल जाएगा। ठीक, 3PGA में बदलेगा, यहाँ पे भी क्या होगा आपका, एनर्जी आपको मिलेगी। ADP आपका क्या होगा, ATP में बदलेगा, जो क्या हो रहा है आपका, ADP जो हो रहा है वो आपका ATP में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे भी क्या हो रही है आपको, एनर्जी मिल रही है आपको। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, 3PGA आपका 2PGA में हेल्प ऑफ एंजाइम की मदद से विद द हेल्प ऑफ, और 2PGA जो बनता है आपका फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड में, ध्यान रखिएगा PEP जिसको कहा जाता है, फॉस्फोइनॉल पाइरूविक एसिड में। यहाँ पे क्या होगा, वाटर आपका रिलीज होगा, वाटर यानी बाहर जाएगा आपका। ठीक है, अब PEP जो होगा वो पाइरूविक एसिड में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा आपका, यहाँ पे ADP से आपका ATP मिलेगा आपको। ठीक है, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपकी एनर्जी आपको मिल रही है आपको। ठीक, यानी समझ गए कि किस किस पॉइंट पे आपको एनर्जी खर्च हो रही है, यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है, यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है, यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, यहाँ एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। ठीक,
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपको कितने एटीपी मिले हुए, कितने एटीपी आपके यहाँ पे खर्च हुए। तो टोटल देखा जाए तो यहाँ और यहाँ ये दो पॉइंट पे क्या हुए, एटीपी खर्च हुए, यानी ये दो क्या हुए आपका, दो एटीपी क्या यहाँ पे क्या हो गए आपके, आपके जो आपके लूज हो गए, दो एटीपी आपके मान लीजिए यहाँ पे लूज हो गए आपके दो एटीपी, ठीक, दो एटीपी खर्च हो गए आपका। ठीक, आपको मिले कितने हैं, एक और दो, क्योंकि ये पता है ये दो बार चल रही है आपको, यहां से दो बार बताया था ना ये कन्वर्ट होके, तो ये दो ये हैं और एक और बार चलेगी तो फिर से दो फॉर्मेशन हुए, यानी गेन कितने हुए आपको, गेन हो गए आपको 480p। तो टोटल एटीपी कितने बचे आपके, चार माइनस दो यानी कि आपके बचे दो एटीपी, तो नेट गेन एटीपी जो आ जाएगा आपका वो होगा दो एटीपी आपका। ठीक है, अब ये NADPH2 क्या होता है आपका, ठीक, एक NADPH2 जो फॉर्मेशन कराता है आपका NADH2 आपका, ठीक है, वो आपका 3 ATP फॉर्मेशन कराता है आपका। ठीक है, कितने आपके 3 ATP आपके फॉर्मेशन कराता है। ठीक, तो यहाँ पे एक बार है और एक और बार चलेगा तो दो हो जाएंगे आपको, तो यानी कितने बनाएगा आपका 6 ATP फॉर्मेशन कराएगा आपका। कुछ कुछ बुक्स में बैरी कर देते हैं, कुछ कुछ बुक्स में यहाँ पे 2 ATP लिखा है, कई जगह पे 3 ATP पढ़ा देते हैं आपका। ठीक है, इसी वजह से जब लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा आपका क्रेब साइकिल बाद जब ETS में भी आपका चलेगा तो वहां पे प्रोडक्ट बनेगा तो वहाँ पे 36-38 आपका आ जाता है आपका ATP। अभी आगे बात करेंगे इसकी। ठीक है, यानी यहाँ पे हो गया 6 ATP, तो यहाँ पे ATP टोटल ATP देखा जाए, ये जो NADPH2 था यहीं पे ATP नहीं प्रोड्यूस करता आपका, जो NADPH2 होता है वो होती है चेक आपकी, चेक कहाँ पे बनती है आपकी, एक होता है डायरेक्ट कैश मिलना पेमेंट, जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मुझे दो तरीके से पेमेंट मिल सकती है, या तो डायरेक्ट मुझे मालिक सीधा जॉब पैसे दे दे, ठीक है, या तो फिर मुझे क्या करे वो कैश चेक दे दे, चेक जब मैं बैंक जाऊंगा तब फिर वो कैश में भुनेगा और तब मुझे पैसा मिलेगा। तो ये क्या है, ये चेक है और ये क्या है डायरेक्ट पेमेंट है आपका। ठीक है, जैसे ये चेक है जब मैं कैश चेक बैंक में दूंगा तब मुझे यहाँ पे इतना पैसा मिलेगा, ये वेरी करता रहता है आपका। ठीक है, जैसे NADH2 लगे या फिर DH2 लगे कुछ और रिएक्शन पड़ेंगे आपका। ठीक, तो यहाँ पे जो ATP हो गए वो 6 और 2, यानी टोटल ATP कितने हो गए आपके यहाँ पे, अगर देख ले NADPH2 को भी मिला दिया तो 8 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे आपका। ठीक, तो ये हो गई आपकी ग्लाइकोलाइसिस आपकी कंप्लीट। ये पाइरुविक एसिड क्या करेगा, आप नेक्स्ट जो आपकी साइकिल बताएंगे क्रेब साइकिल उसमें आपका देखेंगे आपका। ठीक, तो बस आज के लिए सब इतना ही, इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ओके।